नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की, की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है अचला सप्तमी को रथ सप्तमी सूर्य सप्तमी या आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है अचला सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है सूर्य के उत्तरायण होने पर प्रकृति के असीम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तमाम विधान बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक है रथ सप्तमी इस दिन को कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रस सप्तमी या अचला सप्तमी साल 2022 में कब है साथ या आठ फरवरी को सप्तमी की तिथि क्या रहेगी स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा सूर्योदय का समय क्या रहेगा पूजा की विधि क्या है और क्या है दान की वस्तुएं तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्यौहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो शत्रु श्रेणी का हो या कमजोर हो उन्हें इस व्रत को करने से लाभ तो इस इसके अलावा जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा हो उनके लिए भी रथ सप्तमी का व्रत फलदायक माना जाता है रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव की पूजा करने वाले साधक को तिथि से ही नमक का त्याग कर देना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए इस दिन सबसे पहले से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी तालाब या सरोवर में जाकर स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक तांबे के पात्र में जल गंगा जल रोली और लाल पुष्प डालें। सूर्य को जल देने से पहले सिर पर आग के सात पत्ते रखें आग के पत्ते रखने के बाद नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं। इसके बाद किसी गमले को अपने सामने रखें, जिसमें सूर्य को जल देते समय वो जल आपके पैरों पर ना गिरे इसके बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें उसके बाद वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्रोत का, का पाठ करें इसके बाद भगवान सूर्य से पूजा में किसी भी प्रकार की हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें रथ सप्तमी के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है इसलिए इस दिन गेहूं लाल वस्त्र तांबा और सोना आदि वस्तुओं को किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण व्यक्ति को दान देना बेहद शुभ माना गया है रथ सप्तमी साल 2022 में 7 फरवरी 2022 दिन सोमवार को है स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 मिनट से 7:06 मिनट तक कुल रहेगी 1 घंटे 44 मिनट की वहीं सूर्योदय का समय रहेगा सुबह छह बजकर इकतालीस मिनट पर। वही सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा सात फरवरी की सुबह चार बजकर सैंतीस मिनट पर और समाप्ति होगी आठ फरवरी की सुबह छह बजकर पंद्रह मिनट पर। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ